महाराज सरकार जिस प्रकार से कंगना रनौत का चीरहरण करने पे लगी हुई है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और निर्देशक उपाध्याय। शिवसेना की सत्ता वाली बीएमसी की ओर से तानाशाही दिखाते हुए अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलवाने के बाद से ही देश भर में गुस्सा है। हर कोई अपने अपने हिसाब से शिवसेना सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। कोई सड़कों पर उतरकर सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत का पुतला फूंकते हुए विरोध कर रहा है, तो कोई सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्टर और कार्टून शेयर करते हुए शिवसेना सरकार पर हमला बोल रहा है। इसी बीच हिंदू धर्म में सबसे अधिक पवित्र नगरों में से एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की गलियों में एक पोस्टर काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिसे देखकर कांग्रेस और शिवसैनिक तिलमिलाए हुए हैं। ये पोस्टर जुड़ा हुआ है अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण चरित्र द्रौपदी के चीरहरण को दर्शाते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दुशासन के रूप में दिखाया गया है, जो कंगना का चीरहरण कर रहे हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है, जो अभिनेत्री कंगना रनौत की रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कौरवों की सेना के रूप में दर्शाया गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी धृष्ट राष्ट्र की तरह चुप्पी साधे हुए पोस्टर में नजर आ रही है। ये पोस्टर काशी के वकील श्रीपति मिश्रा की ओर से लगाए गए हैं। पोस्टरों के मामले को सही ठहराते हुए वकील श्रीपति मिश्रा ने कहा है, यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। महाराष्ट्र सरकार जिस प्रकार से कंगना रनौत का चीरहरण करने पे लगी हुई है, उसके लिए हमने कौरव सेना के रूप में महाराष्ट्र की जो सरकार है वो कौरव सेना की तरह काम कर रही है। और कंगना रनौत का जो उन्होंने मकान गिराया, कंगना रनौत को जो परेशान करने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं पूरे नारी समाज का अपमान है। और इस तरीके का चरित्र रहा है कि जो कौरव से ही मिलता है। पोस्टर में क्या बताने, हमने शिवसेना और उनके नेताओं को कौरव का पार्ट दिया है, क्योंकि कौरव रूप में ही उन्होंने कंगना को परेशान करने का काम किया है, नारी की सम्मान की हनन किया है। और इसमें नरेंद्र भाई मोदी जी से पूरे देश की महिलाएं अपेक्षा कर रही हैं कि केवल नरेंद्र मोदी ही देश की महिलाओं की रक्षा कर सकते हैं। और इसमें धृतराष्ट्र की भूमिका में सोनिया गांधी बैठी हुई हैं, जो एक खुद महिला है, और वो एक महिला पर अत्याचार होने पर वो बोल नहीं पा रही हैं, उनका कोई भी बयान नहीं आ रहा है। ये बेहद ही निंदाजनक है। बता दें कि शिवसेना की अगुवाई वाली बीएमसी ने बुधवार को कंगना के ऑफिस पर हथौड़ा चलवा दिया था। बीएमसी के इस नापाक हरकत को मुंबई हाई कोर्ट ने भी गलत ठहराया था। यहां तक कि शिवसेना सरकार की सहयोगी पार्टियों ने भी पल्ला झाड़ते हुए बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए थे। तो वही अभिनेत्री कंगना रनौत भी उद्धव ठाकरे पर भड़क गई। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना के इसी बयान को लेकर शिवसेना की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बावजूद भी कंगना की बेबाकी में जरा सी भी कमी नहीं आई है। वो खुलकर सुशांत सिंह मामले पर उद्धव सरकार, ड्रग्स माफिया, बॉलीवुड गैंग और मुंबई पुलिस की पोल खोल रही हैं, जो महाराष्ट्र सरकार को चुभ रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।